नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है गलत विश्वास। विज्ञानों ने एक प्रयोग में एक बड़े से टैंक में एक शार्क मछली को रखा और उसके साथ ही कुछ छोटी मछलियों को भी उसके टैंक में डाल दिया। स्वाभाविक रूप से शार्क ने तुरंत ही उन सारी मछलियों का सफाया कर दिया। उसके बाद वैज्ञानिकों ने टैंक में एक बहुत ही मजबूत फेबर ग्लास लगा दिया और टैंक के दो हिस्से कर दिए। एक हिस्से में शार्क थी और दूसरे हिस्से में उसके फिर से छोटी मछलियों को डाला। जैसा ही शार्क की नज़र उन पर पड़ी वो उनके खाने के लिए लपकी, पर उस बार बीच में फेबर ग्लास होने की वजह से शार्क उससे जाकर टकराए। एक बार टकराने के बाद भी शार्क ने हार नहीं मानी, जो हर कुछ समय के अंतराल में बात उस दिशा में बढ़ती जहां मछली भी और टकरा के फिर पलट जाती। इस दौरान छोटी मछलियों आसानी से और आजादी से तैर रही थी और कुछ एक डेढ़ घंटे के बाद शार्क ने हार मान ली। ये प्रयोग पूरे हफ्ते भर में कई बार किया गया। धीरे धीरे शार्क के हमले कम होते गए और वो ज्यादा जोर भी नहीं लगाती थी। बार बार कोशिश करते रहने से पर फिर भी मछलियों तक न पहुंच पाने से शार्क ने थक कर हार मान ली और प्रयास करना छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद वैज्ञानिकों ने बीच में फेबर ग्लास को हटा दिया, पर उसके बाद भी शार्क ने कभी हमला नहीं किया। शार्क को पिछले कुछ हफ्तों में विश्वास हो गया था कि वो उन मछलियों तक नहीं पहुंच सकती और दूसरी छोटी मछलियां बिना किसी नुकसान के तैरने लगी। शार्क उन तक पहुंचते से कोशिश भी नहीं करती थी। पूर्वानुभव के कारण धारणा दृढ़ बन गई और पूर्वाग्रह के कारण वास्तविकता को समझना असंभव बना। इस प्रसंग की सीख यह है कि जब हम किसी काम में लिए लगातार प्रयास करते हैं और हम बार असफल होते हैं तो हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है, धीरे धीरे प्रयास करना ही बंद कर देते हैं और सफलता हासिल नहीं कर पाते। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए, जब तक ही हम सफल नहीं हो जाते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।